Let's start. इंडी है हम, इंडी है हम। एक फैक्ट बताने वाला हूं, मेरा खुद का फैक्ट नहीं है। साउथ कोरिया के बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि अगर प्लांट को, पौधे को क्लासिकल म्यूजिक सुनाया जाए तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो होते। सोचो प्लांट पर म्यूजिक का इतना असर है तो इंसानों पर तो होने ही वाला। इसलिए मैं लेकर आया हूं इंडी है हम, जहां पर हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और आज के हमारे जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो बड़े स्पेशल है, बहुत अलग है। वो इंडिया के द ओनली सिंगिंग ट्विन है, बहुत ही जबरदस्त गाते हैं, उनके दोनों गाने सुपर हिट रहे हैं। लड़के जो हैं वो इनके गाने सुन के ऑटोमेटिक सुधरने लगे हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, पता नहीं क्यों, वो थोड़ी देर में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं मेरे फेवरेट सुकृति कक्कड़ और प्रकृति कक्कड़। Let's welcome Sukruti and Prakriti. What's up? Hi, Darshan. So, क्या सीन है यार? लड़के एकदम से सुधरने लगे हैं and they've started. You know, ये तो मतलब this is not just you saying it. YouTube पे भी ऐसे comments आ रहे हैं लड़कों के, you know, खिलाफ कुछ problem है, तुम्हें पता नहीं ऐसे गाने क्यों बनाने हैं। But I think our next track will definitely change that and हम किसी को सुधारना नहीं चाहते यार, हम सिर्फ गाना गाना है। Naturally, like, you know, I think because our entire journey has been about playback music and Bollywood songs and singing for actresses. जब हम actually साथ में बैठे और अपना खुद के गाने बनाने लगे, it just came very naturally and now I think I think a lot of people have taken it seriously. कहीं real life में लड़के को बोला कि हाँ भाई तो सुधर जा, क्योंकि लड़के सुधर रहे हैं यार। Maybe. और लड़कियाँ जब लड़के को कहती हैं ना कि सुधर जा तो ज़्यादा impact आता है। Actually mafia does sound like a sequel ना? हाँ यार। क्योंकि पहले सुधर गया, माफी मांग रहा है तो बट ऐसा कुछ नहीं है, वी जस्ट मेकिंग सॉन्ग्स एंड आई थिंक दिस वाज अ जॉनर हमें जिस पे लिखना था एंड वी फेल्ट किसी ने पहले ऐसा किया नहीं था एंड दोनों सॉन्ग्स यू नो इसी जॉनर पे बन गए वेरी नेचुरली, ऐसा कुछ प्लान नहीं था। आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट, आई थिंक वी आर विद एवरी सॉन्ग एक्सप्लोरिंग न्यू न्यू थिंग्स। डेफिनेटली तो मजा आ रहा है एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड सो हैप्पी टू बी हियर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ इट। वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। व्हाट वाज योर जर्नी इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक? कब ऐसा फील हुआ कि यार आई वांट टू do independent music? Because I know आप लोग काफी time से you have been writing. Yeah, like three, you know, we always had that little bit of a songwriter in you. Yeah. I think बचपन से, because हमने इतना सारा pop सुना है, you know, जब हम बड़े हो रहे थे, and our dream in life as sisters or as individual performers also was that एक दिन मैं खुद के गाने गाऊंगी, खुद music video में रहूंगी, and you know, I'm going to have my own music. But of course, you know, with all respect to the Bollywood industry, the only way आप यू नो गा सकते हो वो फिल्म के जरिए ही होता है, यू नो इन द स्टार्ट। एंड आई मेट सम गर्ल्स इन द मॉल द अदर डे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा था कि यार सब लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं क्या हो रहा है। एंड देन यू नो सम गर्ल्स केम अप टू मी एंड दे सेड वी लव्ड योर सॉन्ग एंड आई वाज लाइक माफिया, लाइक या माफिया। एंड देन आई आस्क्ड देम कि कहाँ पे पहली बार सुना, बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू नो एंड दे वर गर्ल्स यू नो टेकिंग सेल्फीज एंड ऑल। सो आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम वेयर डिड यू हियर द सॉन्ग, डिड यू लाइक द सॉन्ग, डू यू नो आई वाज अ सिंगर बिफोर द सॉन्ग। सो दे थॉट इट्स आवर फर्स्ट सॉन्ग यू नो। And that's, I think, actually, that is the power of independent music. Independent music, और आप मुझे लगता है कि जैसे Bollywood में, like I've also seen, but Bollywood music से ज़्यादा मुझे लगता है independent जब आप करते हैं, so you can change lives, people take you very personally, आपको बहुत personally. I think that connect is very important. वो connect शुरू से, because for me and Prakriti, I think we started our career in 2015, जब हम गाते थे school, college में हमेशा से ही गाते थे, घर पे बहुत सारा music है, but finally जब एक you know बड़ी movie में गाना आ गया, then I was like, oh my god, today I'm a playback singer, like it happened to me, and it was in 2015, and then after that there have actually been like some 30 songs, maybe 10 of them are famous, you know, but that's been our journey, and then after 4 years doing your own music, it's a very amazing feeling, because I think hum aise zamane mein jahan pe movies aur independent music ko same recognition mil rahi hai finally, but actually, I think we have to agree, we both were very scared also कि यू नो सडनली आप अगर इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज करना शुरू कर दोगे, वी वर लाइक आर पीपल गोइंग टू कॉल अस टू सिंग फॉर मूवीज, यू नो वी हैड दैट लिटिल बिट ऑफ अ क्वेश्चन, क्योंकि इट्स वेरी ब्रेव, लाइक आई थिंक यू आर वेरी वेरी ब्रेव टू हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, यू आर लाइक अ फ्लैग बेयर यू नो ऑफ सॉर्ट्स इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, बिकॉज यू ऑलवेज बीन डूइंग दिस। हमारे लिए तो फिर भी ये बहुत नया है, सो वी वर जस्ट, वी सीन योर जर्नी ऑल्सो, आई थिंक राइट फ्रॉम रॉस्टा, सो वी यू नो सीन एंड ग्रोन विद यू विद एवरी सॉन्ग एंड वी लव द न्यू सॉन्ग ऑल्सो। थैंक यू, थैंक यू। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन, हजारों लोगों ने पूछा होगा, आई होप इट्स, यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन, कितनी बार ये पूछा गया, अरे आप लोग ट्विन्स हैं, अरे ट्विन्स हैं, ट्विन्स हैं, आई होप यू नो हुज हु आर दर्शन, रियली अभी तो आई एम प्रो, ओके आई थिंक इट्स टाइम, हु आप
इतना टाइम नेम आई थिंक यू आर प्रकृति आप हो सकते थे पर है नहीं अच्छा प्रकृति की बहन हो आप प्रकृति की बहन है कभी ऐसा हुआ है लाइक यू मस्ट बी ट्रैवलिंग एवरीवेयर आई नो कितनी जगह कहीं आइडेंटिटी आपकी छुपाई है कभी कॉलेज स्कूल में तो बहुत किया मतलब आई थिंक देयर वाज अ होल ईयर इन व्हिच हमारा एक ही आईडी कार्ड था बिकॉज मैंने घुमा दिया था एंड बहुत प्रोसीजर होता है आईडी कार्ड वापस फेंका आपने नहीं घूम गया था तो मैं इसका आईडी कार्ड लेके रोज कॉलेज आती थी एंड द गार्ड नेवर न्यू एंड आई एम टेलिंग दिस ऑन कैमरा बट एनीवे और आप लोग हाउ व्हाट्स योर वर्किंग स्टाइल कैसे आप लोग गाना बनाते हैं जैसे यू आई नो दैट यू गाइस राइट एज वेल आप कंपोज भी करते हैं वेरी रिसेंटली एक्चुअली सो इट्स लाइक अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस सो आई थिंक एवरी सॉन्ग इज वेरी डिफरेंट पहले कोई हम बीट्स पे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कुछ नलना करके कोई आइडिया आ गया आई थिंक हमारे पास यू नो एक सबके नोट्स होते हैं ना आईफोन में सो आई हैव दिस आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस बट वी हैव लाइक लॉट ऑफ हुक लाइंस ऐसे रेडी यू नो एंड कभी कभी किसी को आप मिलते हैं देन यू नो यू जस्ट स्टार्ट जैमिंग ऑन इट बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी ट्यून्स है जो हमारे पास पड़ी हुई है यू नो एंड कभी हम किसी से मिलते हैं लिरिसिस्ट से मिलते हैं प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर से वी मीट वी ऑलवेज ट्राई न्यू समथिंग एंड And build around it. Around that. Yeah, but it's always different. But usually, like Mafia was, जाने दे हाँ जाने दे was there, and then we built around it. Yeah. But the songs we are working on now, वो scratch से बना रहे हैं. I want to know how do you make your songs? What is how does every song happen? I think it's always guitar in you. नहीं नहीं guitar पर मेरा होता ही नहीं कभी. मैं जैसे it is mostly melodies mere as you said iphone pata nahi kahan se aati hai but kuch aa jata hai neend mein aati hai mujhe sabne I when I'm shopping also na mall mein kuch baj raha hoga I just take my phone and go to the washroom record it weird places par maine record kiya aise karke bahut weird jagah par mostly mere sath bas mujhe neend mein melodies aati hai so I'm sleeping kahin kuch ho raha hai ha to main uth ke seedha phone nikal ke melody record karta hu have you heard kaash aisa hota of course yeah so ye have you seen that movie bohemian rhapsody yeah just recently usme ek wo सीन है ना वेर इज प्लेइंग द पियानो ही इज मेकिंग द सॉन्ग और जब आंख खुलता है तो उसकी आंखों में पानी होता है एंड ही इज रिकॉर्डिंग इट सो काश ऐसा होता वाज द सॉन्ग जिसको 3 मिनट में आई स्टार्टेड स्टूडियो के अंदर बैठे आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट और जो मेरे दिल के अंदर आया आई सैंग इट 3 मिनट्स और उसके बाद आंखें मेरी ऐसे पूरी नम हो गई थी द सॉन्ग वाज रेडी उसके बाद कुछ चेंज नहीं किया That's like a cleanse, no? Yeah, yeah, amazing. It's beautiful. And I wait for moments like this. Kab melody aaye. And that's the thing. I feel like hum jo bhi bana le, you know, it's not ours. It's like a gift. It just comes. Melodies mein to I believe this. Ki iski koi process nahi. Gana aap likh loge, ye kar loge, produce kar loge. Melody to it's tune and I think especially jab kuch you know aata hai. Agar aap piano pe ho ya guitar pe ho, then you mechanically make something that's different. But I think when it comes to you is when it's more special. Yeah. अब इस इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे जैसे जितने भी सिंगल लड़के हैं जो आपको इम्प्रेस करना चाहे तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है दो लड़कियों के साथ I think सबसे ज़्यादा important चीज़ होती है कि you know he has to be very very hard working because we are very ambitious very hard working girls. I think we get attracted to passion and hard work. I think because we are like that. तो suddenly अगर बहुत ही कोई जिसके पास कोई passion नहीं है you know बहुत बेला है you know like you don't need that कि मतलब पूरा दिन call करते रहे ऐसे it just won't work out. तुरंत शुरू करना तुरंत शुरू करो. Okay yes sir मैं उनके साथ. I think so a man who works hard understands that the girls also working hard so space. Very important. Yeah. And I think we both are very emotional. Yeah. So sensitivity, बहुत जरूरी होती है. I think किसी भी लड़के में to understand emotionally, you know what a girl needs. And understanding because our job is something that someone needs to understand only. Like all the travel, हमारी recording, हमारा कोई time नहीं है काम करने का. So कभी भी हो सकता है. So I think someone who understands, जिसको हर चीज छोटी-छोटी explain ना करनी पड़े हो. Yeah. I think that is. That was a very short list actually. I thought लंबी चलेगी. अच्छा लंबा good looking होना चाहिए. हाँ उसके बाद third fourth point में आ जाएगी. Body नहीं होनी चाहिए. All that तो that's नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. No I think I like a guy who likes going to the gym. ना जो workout करे. Be healthy. Yeah. Okay. I think I mean that's more important than having like I'm not into six packs and all or whatever. Doesn't excite me. Foodie भी वो थोड़ा बहुत खा ले. Oh yes. Foodie. Yes. Taller than us. Foodie.
हार्ड वर्किंग पैशनेट इमोशनल सेंसिबल अच्छे कपड़े पहने और कुछ बच्चा नॉट ईगोइस्टिक वेयर्स अ ग्रेट परफ्यूम गुड ड्रेसिंग सेंस वेरी इंपॉर्टेंट and has a style of his own. She's like the best girl ever. मतलब वो तो बेसिक ही है. Yeah. अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो प्लीज टैग करते हैं इंडिया देम इंडिया हम बट अमेजिंग इट वाज सो गुड टू हैव यू हियर पर आपको हम वैसे नहीं जाने देंगे आई वांट यू टू सिंग प्लीज फॉर श्योर आई थिंक सुपर स्पेशल सॉन्ग आई थिंक यू नो दिस इज ओनली आवर सेकंड इंडिपेंडेंट नॉन फिल्म गाना एंड इसका नाम है माफिया एंड वी विल सिंग इट फॉर यू लेट्स डू लेट्स गो Feeling so low, I already know, already know. Don't wanna let go. Feeling so low, I already know, already know. प्यार दिया कसमां खाके सच्चियां तोड़ दिया दिल के गलां झूठियां खुद तो भी सादा तेनू प्यार मैं करा पर जे मैं चली गई मुड़ना आना सुनिया गलतियां तू इतनी कर दा मैंने भी जाने दिया सोचा था तू अब बदलेगा मौका तुझे सौ बार दिया जान दिया जान दिया नहीं चाहती तेरी माफिया जान लिया तेनू जाना अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया जान दिया जान दिया नहीं चाहती तेरी माफिया जान लिया तेनू जाना अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया तक मैं तेनू पहचान दिया हसांदा भी तू है रुलांदा भी तू वादे करके भुल जांदा खाम खाके शक तो अकसी गई तेरे इंतजार मैं थक मैं गई जान जान कह के मुझको जान में ले गया सोचा था तू अब बदलेगा मौका तुझे सौ बार दिया जान दिया जान दिया नहीं चाहती तेरी माफिया जान लिया तेनू जाना अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया जान दिया जान दिया नहीं चाहती तेरी माफिया जान लिया तेनू जाना अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया तक मैं तेनू पहचान दिया अंदरों तक मैं तेनू पहचान दिया तो अब वक्त है सोशल मीडिया के सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं जो क्वेश्चंस आपने मुझे पूछे होंगे ओनली अगर आपने यूज किया होगा हैशटैग क्वेश्चन दर्शन तो आइए देखते हैं आज के सवाल क्या हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो पूछा है वो है विधि ने पूछा है एनी डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड आरजे दर्शन है थोड़ा बहुत डिफरेंस है मुझे लगता है दर्शन एक ऐसा बंदा है जो इज मैं एज अ पर्सन काफी काम हूँ और अपने में ही रहता हूँ एज एन आरजे आई थिंक आई एम वेरी लाउड आई एम एंटरटेनिंग और एक और डिफरेंस मुझे लगता है कि मैं जब से आरजे बना हूँ आई गेट टू नो माई कलीग्स मोर जिन लोगों के साथ मैं अभी तक सिर्फ मिला हूँ उनको मैं ज़्यादा जान पाया हूँ ऑल द सिंगर फ्रेंड्स जिनसे मैं मिल रहा हूँ जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ आई गेट टू नो देम मोर पहले बहुत ही प्रोफेशनली मिलते थे या ओकेजनली मिलते थे अब जब आरजे बन गया हूँ तो आई गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स सो ये एक डिफरेंस है जो दूसरा सवाल मुझे पूछा गया है वो पूछा है सुभाषी नायक ने शी आस्क्ड मी हैव यू एवर ट्राइड ऑनलाइन डेटिंग ट्राई नहीं किया मैं वैसे ऐसा बंदा हूँ जो मानता है कि प्यार तब होता है जब आप आंखों से आंखें मिला के बात करें दिल की बात करें बट आई थिंक दिस आइडिया इज ऑल्सो फन ऑनलाइन डेटिंग का मैंने ट्राई नहीं किया बट अगर आप
भी है तो वी कैन ट्राई, एक्चुअली हम ट्राई कर सकते हैं ऑनलाइन डेटिंग. लेट मी नो, इट इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग. तो ये थे सोशल मीडिया के सवाल, और अगर आप लोग भी मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज जल्दी से पूछो, बट हाँ पूछने के बाद हैशटैग क्वेश्चन दर्शन यूज कर लेना तो मैं जवाब दे दूंगा. भूल गया कि मैं भी तो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं और मुझे मेरे फैंस के लिए भी तो गाना है. So I'm gonna sing a song for all my fans. थोड़ी धूप थोड़ा मैं अपना जहां है, तेरी मेरी बातों का समा है, खुद से लड़ जाऊं कुछ भी कर जाऊं. थोड़ी धूप थोड़ा मैं अपना जहां है, तेरी मेरी बातों का समा है, खुद से लड़ जाऊं कुछ भी कर जाऊं. क्या मुझको यार करती है, फिर थोड़ा रो लेती है, फिर हंस के कहती है मुझे उसे सर पे भूत चढ़ाना तेरे इश्क का, नया रंग लगा है तेरे इश्क का, सर पे भूत चढ़ाना तेरे इश्क का, नया रंग लगा है तेरे इश्क का. फिलहाल आज के जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं उनका नाम है कुशल छेड़ा. नाम उनका कुशल छेड़ा है और उनका स्टेज नेम कुशल मंगल है. कुशल मंगल क्यों है वो आप उनका गाना सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा. आइए सुनते हैं. क्या होगा तेरे बिना मेरा क्या होगा, रे जाने ही जा, तूने मेरा मन यूं छीना, रे मैं तेरा पल चला, बाहों में कभी किसी तरह तू ना आया, दो में तेरे दिन मेरे सर कट जाए, आवारा आवारा मैं हूं बना. तेरी आंखें नशीली कहती मुझको फरेबी, मेरे दिल की शरारत तू जाने ना, कैसे तुझको बताऊं कितना तुझको मैं चाहूं, मेरे दिल की ये दस्तक तू जाने ना. अच्छा बतला दूं मैं ओ, तुझे दिखला दूं मैं ओ, तेरे बिना धूरा मैं ओ, तुझे संग पूरा मैं ओ, तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरा सितम है, मेरे दिल की ये बातें तू जाने ना. तू ही मेरा सुकून है, तू ही मेरा जुनू है, मेरे दिल की ये बातें तू जाने ना. क्या होगा तेरे बिना मेरा क्या होगा, रे जाने ही जा, तूने मेरा मन यूं छीना, रे मैं तेरा बन चला, बाहों में कभी किसी तरह तू ना आया, दो वे तेरे दिन मेरे सारे कट जाए, आवारा आवारा मैं हूं वरा. थैंक यू. What a beautiful song, Kushal. What a beautiful song. और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी इंडिपेंडेंट स्टार है और इंडिपेंडेंट म्यूजिक आप करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे और रेड एफएम इंडिया को परेशान कर दो, अपने वीडियोस अपलोड करो, टैग करो और फोर्स करो कि हम लोग आपको यहां पर लेकर आए. मैं आपको ऐसे पकड़ के घर से लेकर यहां पर आ जाऊंगा. तब तक कीप वॉचिंग इंडी जैम ऑन इंडी है हम. दिस इज दर्शन रावल, सुपर इज 93.5 रेड एफएम. बजाते रहो.